हेलो गाइस, टेक्सकोन इंडिया में आपका स्वागत है। एंड आज हम फिर से एक नए टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम दो VFD की स्पीड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी एप्लीकेशन हमारे पास में इंडस्ट्री में ऐसी होती हैं जिसमें हमें दो VFD या मल्टीपल VFD की को सेम स्पीड पे चलाना होता है। तो अगर हम एक VFD की स्पीड को वेरी करेंगे तो वो सेकंड जो VFD है उसकी स्पीड भी उसी के इक्वल होगी। ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड पे चलेंगे ऑलवेज, राइट। तो इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है इस पे, एंड इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में कैसे हम दो VFD को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे एक VFD ये है, एक VFD ये है, एक यहाँ पे मास्टर पोटेंशियोमीटर है जिससे मैं दोनों VFD की स्पीड को वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये पहली VFD के लिए पोटेंशियोमीटर है, ये सेकेंड VFD के लिए पोटेंशियोमीटर है। तो बेसिकली इसमें तीन पोटेंशियोमीटर यूज होंगे, 1, 2 एंड 3, करेक्ट। अब इसमें जो VFD में हमारे पास में पोटेंशियोमीटर के पोर्ट होते हैं, 0 वोल्ट, पॉजिटिव 10 वोल्ट एंड इसका जो रेफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 एंड 10 सेकेंड VFD पे भी होगा एंड ये रेफरेंस इसका। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर तीन मेरे पास में है, इसमें तीन तीन वायर हैं यहाँ पे अवेलेबल, राइट। इसमें पोटेंशियो जो मास्टर पोटेंशियोमीटर है उसमें भी ये तीनों वायर होंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दो VFD की स्पीड को। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, किसी भी एक VFD का जो 0 एंड 10 वोल्ट है, या तो इस VFD का या इस VFD का, इनको हम कनेक्ट करेंगे 0 टू 10 वोल्ट से मास्टर पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, तो मैं अभी कर देता हूँ, आपको कनेक्शन करके मैं बताता हूँ इसके कि कैसे हम करेंगे। तो 0 वोल्ट को हमने लिया, इसे हमने 0 वोल्ट पे दे देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास में 10 वोल्ट है इसको हमें मास्टर पोटेंशियोमीटर के 10 वोल्ट पे दे देना है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि जो रेफरेंस है इसको हम लेके जाएंगे और 10 वोल्ट पे फर्स्ट पोटेंशियोमीटर के, जो फर्स्ट VFD के लिए, एंड सेकंड VFD के भी 10 वोल्ट पे जो पोटेंशियोमीटर है उस पे हम इसको लेके जाएंगे। तो ये कनेक्शन अभी स्टार्टिंग में आपको कर देने हैं। आफ्टर दैट जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट को हमें कनेक्ट करना है फर्स्ट पोटेंशियोमीटर के 0 वोल्ट पे। ठीक है, और इसी 0 वोल्ट को हमें लेके जाना है सेकंड VFD के भी 0 वोल्ट पे। ठीक है, राइट। एंड इसी सेकंड VFD का 0 वोल्ट हमें कनेक्ट करना है 0 वोल्ट पे सेकंड VFD का जो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखिए क्या किया, जो किसी भी एक VFD के 0 एंड 10 वोल्ट को ले सकते हैं क्योंकि हमें दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। तो पहली VFD का 0 वोल्ट 0 पे जाएगा एंड किसके, मास्टर पोटेंशियोमीटर के, जिससे हम दोनों को वेरी करना चाहते हैं स्पीड को। ठीक है, तो 10 वोल्ट हमारा और 10 वोल्ट पे जाएगा मास्टर पोटेंशियोमीटर के, एंड जो रेफरेंस है इसको हम दोनों VFD के 10 वोल्ट पे देंगे। ठीक है, तो जो भी इसका आउटपुट होगा बेसिकली, ठीक है, तो उसी को हमें दोनों के 10 वोल्ट पे देना है। ठीक है, मतलब जो इसका हाई वोल्टेज होगा वो सेट होगा अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस वोल्ट ऑफ मास्टर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जो रेफरेंस है ये सेकंड VFD का, इसको कनेक्ट कर देना है रेफरेंस से सेकंड पोटेंशियोमीटर के, एंड जो फर्स्ट VFD का रेफरेंस है इसको कनेक्ट कर देना है सेकंड VFD के रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड है जिसके थ्रू आप दो VFD को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं स्पीड को। एंड एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है आपको कि
कि जब भी हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो फर्स्ट पोटेंशियोमीटर हमारा हाई पे होना चाहिए बिल्कुल, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में आप इसको रोटेट करके रखें जहाँ तक ये रोटेट हो सकता है। ऐसे ही हमें सेकंड को भी हाई पे करके रखना है, नहीं तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसको हाई पे किया, इसको हाई पे किया, उसके बाद में हम इसे जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जो भी हम यहाँ से देंगे वोल्टेज उसी के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट VFD एंड सेकेंड VFD रन करेगी। तो ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकेंड VFD की स्पीड सेम होगी। आप इसे चेक करके देख सकते हैं दो VFD कनेक्ट करके। आने वाली वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली भी करके शो करेंगे आपको। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आप रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी डाउट अपने उस ग्रुप में जिसमें काफ़ी सारे इंजीनियर्स हमारे कनेक्टेड हैं, तो उसमें आप बेसिकली अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। एंड किसी किसी की क्वेरी अगर आप क्लियर करने में पॉसिबल है आपको, तो आप भी उसमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।